Okay friends, now we will begin with the question number 18 of CA Final Forex Practice Manual lesson. In March 2009, the multinational industries make the following assessment of dollar rate per British pound to prevail as on 1st September 2009. So pound dollar by pound ka rate de rakha hai aur probability de rakhi hai, probability. And what is the question pooch raha hai, what is the expected spot rate for 1st September 2009? और सेकंड पूछ रहा है कि इफ एज ऑफ मार्च 2009 द सिक्स मंथ फॉरवर्ड इट इज डॉलर 1.80 शुड द फर्म सेल फॉरवर्ड इज पाउंड रिसीवेबल ड्यूरिंग सितंबर 2009. क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि है ना मुझे 1st सितंबर 2009 को ये रेट्स दे रखे हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है और मेरे को एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट मांग रहा है मेरा वो 1st सितंबर 2009 का. तो मुझे वो कैलकुलेट करना सबसे पहले तो पहले वो कैलकुलेट कर लेते. सिंपल सा है, कुछ है ही नहीं इसमें, एकदम इजी सा है. एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो एक पाउंड रेट लिख दो डॉलर बाय पाउंड का. क्या क्या है इसमें रेट, 1.60, 1.70, 1.80, 1.90 एंड 2. ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.15, 0.20, 0.25, 0.20, 0.20. जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको प्रोबेबिलिटी 1 मिली है, चेक करना पड़े. अब मैं 1.6 को 0.15 से करता हूँ मल्टीप्लाई, तो मैं इसको पी एक्स करूंगा, मतलब ये इसको मैं एक्स मान लेता हूँ और ये पी एक्स. सिंपल सा करा ही होगा आपने 10th 11th में. इसको करूंगा तो मेरे को मिलेगा 0.24, सेकेंड इज 0.34, सेकेंड थर्ड इज 0.25. इसको लिख दो ए, इसको लिख दो बी, और ये ए इंटू बी 0.34, 0.45, 0.38 एंड 0.40, राइट. तो जब इसको आप टोटल करोगे तो आपको एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट मिलेगा 1.80. बस इसमें सिंपल सा आपको एक कैलकुलेशन था ये क्वेश्चन में. सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि इफ एज ऑफ मार्च 2009 द सिक्स मंथ फॉरवर्ड रेट इज डॉलर 1.80 शुड द फर्म सेल फॉरवर्ड 6 पाउंड रिसीवेबल इन ड्यू इन सितंबर 2009. तो इसमें कैसा है कि अगर इसमें फिर इन्होंने क्या बोला है कि अगर इफ द सिक्स मंथ फॉरवर्ड रेट इज डॉलर 1.80 द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ द फर्म कैन बी मैक्सिमाइज बाय रिटेनिंग इट्स पाउंड रिसीवेबल. ऑब्वियसली कि अपन को जब फॉरवर्ड रेट 1.80 मिल रहा है और जो मार्च का 1.81 मिल रहा है मुझे, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा है. तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि मैं अभी ये रखता हूँ पैसा तो शायद वो आगे मेरे को और ज्यादा प्रॉफिट होगा. सिंपल सा यही कंसेप्ट था सेकंड क्वेश्चन. सेकंड जो उसका पार्ट था और कुछ सिंपल सा क्वेश्चन था. अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट.